हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक इंडियन गर्ल व्लॉग्स। एंड जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, उसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने है। जी हाँ, सावा पूजन के बाद में भात न्योतने का प्रोग्राम होता है राजस्थान में, और भाई को राखी बांध के न्योता दिया जाता है, बुलावा दिया जाता है शादी में आने का। और इस तरह से की भेली लाई जाती है जिसको खोला जाता है शादी के बाद में, यानी शादी कंप्लीट होने के बाद में। तो अभी भात न्योतने के बाद में हम जा रहे हैं घर। अभी स्टार्ट होने वाला है शादी में ही डांस का तड़का लगने वाला है। डांस प्रोग्राम यहाँ शादी के 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गया था। अभी डांस को एंजॉय कीजिए। अभी बान बिठाने की तैयारी हो रही है, और उससे पहले 7 सुहागिन होती हैं, उनको राखी बांधी जाती है, और उसके बाद में वो पोती हैं, मतलब जो छापा लगाने की जगह होती है जहाँ पे हाथ का छापा लगाया जाता है, तो उस जगह को चूने से पोती हैं, मतलब पोता जाता है उस जगह को। और उसके बाद में वहाँ पे भैया का हल्दी का हाथ है, तो वो लगेगा वहाँ पे, उसकी छाप छोड़ी जाती है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से छाप छोड़ी जाती है। तो जिस दिन बांध बिठाया जाता है उस दिन ही ये सब किया जाता है, और उससे पहले सावा पूजन हो जाता है। तो इस तरह से हाथ में हल्दी लगाई जाती है, और इसी हल्दी की छाप उस कागज़ पे छोड़ी जाती है। और उसके बाद में रात को जब मतलब रातिज का होता है, तो उस टाइम मेहंदी का हाथ भी यहाँ पे लगाया जाता है। तो वो सब आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हल्दी का हाथ यहाँ पे लगाया जाता है बांध बैठने के बाद में। और ये अभी इसको वैसे हमारे यहाँ पीठी लगाना बोलते हैं, और वैसे हल्द हाथ भी बोला जाता है इसको। तो ये हल्दी लगाई जाती है, ये भी एक रस्म होती है जो निभाई जाती है। तो कुछ इस तरह से भैया को हल्दी लगी है, और उसके बाद में ये नहाएंगे, और नहाने के बाद में ही पूजा होगी। और ये जो कटार है ये शादी तक मतलब अपने साथ में ही रखेंगे, जो बुरी आत्मा या बुरी चीज़ें जो भी हैं वो इनके आस पास ना भटके, इसके लिए ये कटार रखी जाती है। चाहे वो लड़के की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, तो इस तरह का शगुन होता है कि लोहे की कोई चीज़ है वो आपके पास रहनी चाहिए उस वक्त, तो आपको सेफ रखती है ऐसा माना जाता है। और अभी पूजन करवा रहे हैं पंडित जी, बान बिठाया जा रहा है। और ये जो चुनरी इन्होंने सर पर ले रखी है, तो इसको शादी में, पूरी शादी में इसको रखा जाता है, और मतलब इसी को काम में लिया जाता है बाद में। और ये जो छड़ी की रस्म होती है, यानी कि इसमें जो हल्दी वगैरह सब डाला जाता है, और बाद में इस तरह से ऊपर से घुटा जाता है। और ये हैं गणपति के प्रतीक, यानी कि इसमें टीका वगैरह भी लगा रही हूँ, तो इसको टीका लगा के इसकी पूजा करके, और उसके बाद में इसको किचन में रखा जाता है, और इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, और पूरी शादी में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। यानी जो भी खाने पीने का जो भी होता है, जो बनता है किचन में, तो उसी किचन में इसको रखा जाता है। तो अभी भैया इसको रखेंगे अपने हाथ से उठा के, और इसमें पैसे वगैरह जो भी हैं वो छड़ाया जाता है सब कुछ, और इस तरह से हाथ से इसको उठाया जाता है, और एक डिब्बे में रख के इसको किचन में रखा जाएगा। वैसे से लेव मंगोड़ी की रस्म भी कहा जाता है, यानी कि ये लेव है जो मतलब लेव बोला जाता है इसको, और इसको पोता जाता है पूरे चूल्हे के चारों तरफ, तो ये भी बोलते हैं कई जगह। और ये अभी जो रस्म थी
जो छड़की तो वो चल रही है अभी भी, तो ये छायला होता है, तो इससे अनाज को इधर से उधर 7 बार ऐसे किया जाता है सब। सो ये शादी के पहले दिन हमारे मेल होती है, तो उस दिन मैंने ड्रेस पहनी है और सब आगे की वीडियोस में आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।